से लेटर लिखी है चीफ सेक्रेटरी को कि तोस मैदान का रोड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये लोग जंगल चोर है, इनको दरख्त काटने हैं और कोई यहाँ डेवलपमेंट नहीं। उसमें दम है, अगर उसमें दम है वो दिखाए कि उसने 4 लोगों के 40 लोगों के या 400 लोगों के FIR वापस लिए हैं, और अगर वो अभी भी दावा कर सकता है कि वो कल कभी सरकार में खुदा न खास्ता आए तो तब वो ये साबित करके दे कि वो 12,000 के नहीं 12 लोगों के FIR वापस करके ले, वापस करके दिखाए कि उसमें हिम्मत है। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक जिम्मेदार शख्सियत एज मीडिया कोऑर्डिनेटर J&K की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि उमर साहब या उनकी जो रफाका हैं वो इस बात का जवाब दें कि जो उन्होंने PSA लगाए थे उनको, जिन नौजवानों को पत्थर मारने के नाम पे, गोली चलाने के नाम पे PSA लगाए गए थे, तो उनके 12,000 छोटी बात नहीं है, 12,000 FIR वापस लेने वाली कौन सी सरकार थी, वो कौन सी चीफ मिनिस्टर थी, वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती थी। अगर उसमें दम है, अगर उसमें दम है वो दिखाए कि उसने 4 लोगों के 40 लोगों के या 400 लोगों के FIR वापस लिए हैं, और अगर वो अभी भी दावा कर सकता है कि वो कल कभी सरकार में खुदा न खास्ता आए तो तब वो ये साबित करके दे कि वो 12,000 के नहीं 12 लोगों के FIR वापस करके ले, वापस करके दिखाए कि उसमें हिम्मत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लोग सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मजमूई तौर यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की इज्जत के लिए, बका के लिए और उनको राहत देने के लिए काम किया है, लोग उस पर वोट देंगे। ये जो बटेरे हैं, जो बटेरे कल आए हैं, कल जाएंगे, जो अपने आप को कभी कहते कि हम जेल से ही कैंपेन चला रहे थे या आज बाहर है, आप खुद ही समझेंगे। जो लोग जेल में रहकर उनके लिए बाहर से कैंपेन चलाई जा रही थी, लाखों लोगों ने वोट दिए, आज तो वो मामला नहीं है ना। आज जो वो सामने आ गया तो आप उसका कच्चा छाटा सामने आ गया तो उसे कंडेट क्या करेंगे, वो PDP का कोई मतलब मुतबादल नहीं बन सकते हैं ना, वो PDP के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते हैं। PDP के पास इतना काम किया हुआ है जो बाकी लोगों ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी सरकारों ने 60 साल में नहीं किया, वो PDP ने चंद साल में करके दिखाया। और हमने हमेशा अगर बात की है तो वो लोगों की बात की है, वो मसले कश्मीर की बात की है, और हम आज भी कहते हैं कि मसले कश्मीर हल तलब है। जब तक मसले कश्मीर हल होगा, जब हल नहीं होगा तब तक यहाँ अमन लाना, ये कब्रिस्तान की खामोशी अमन नहीं है, बल्कि यहाँ अमन लाने के लिए मसले कश्मीर का दायमी हल ज़रूरी है। इस वक्त तक लोगों का अच्छा रुझान है, अब आने वाले 2-3 दिनों में पता चल जाएगा ऊँट किस करवट बैठेगा। उसने लेटर लिखी है चीफ सेक्रेटरी को कि तोस मैदान का रोड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये लोग जंगल चोर हैं, इनको दरख्त काटने हैं और कोई यहाँ डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दरख्त काटेंगे और कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। और जब वजीर माल थे तब क्या दिया, जब उसके हाथ में कुछ था, डिस्ट्रिक्ट में एक मिनिस्टर था, तब क्या दिया, अब देगा डिग्री कॉलेज, ये कहने की बात है, झूठ बोलता है, वोट के लिए बोलता है, बाकी कुछ नहीं है। पूरा पता है कि खाक वाले क्यों नहीं साथ देते हैं, खाक वालों का उसका पता है ना, इसीलिए वो मजबूर होकर उधर से लोग लाता है। अब खाक बोला ना, फिर मैं इंशाल्लाह जो PDP ने आज तक दिया है उससे दोगुना हम दे देंगे।